टॉपिक इज फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ना है कि किस तरह से हम फॉर्मुलेट करते हैं और बनाते हैं किसी भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स को। ठीक है, हाफ सॉलिड होती हैं और हाफ लिक्विड में होती हैं, प्योर सॉलिड्स नहीं होती, सेमी सॉलिड होती हैं ये। इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, इसमें आ जाती है हमारे पास जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में वो है ऑइंटमेंट्स हैं हमारे पास क्रीम्स अवेलेबल हैं, जेल्स। जो तीनों फॉर्म्स हैं ये किस फॉर्म में है, सेमी सॉलिड मीन्स हाफ सॉलिड है ये। यूज़ दे मे बी अप्लाइड टू स्किन प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ आई। इनको हम मोस्टली जो है अप्लाई करते हैं स्किन पर सर्फेस, यूज़ नेजली वेजाइनली और रेक्टली। द नॉन मेडिकेटेड वंस आर यूज्ड फॉर देयर फिजिकल इफेक्ट्स एज प्रोटेक्टेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। एक होती है मेडिकेटेड और एक होती है नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड वो होती हैं जिसमें मेडिसिनल एजेंट यूज होता है और नॉन मेडिकेटेड जस्ट यूज एज अ व्हीकल। ठीक है, तो ये हमें प्रोटेक्टेंट देती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती हैं, लुब्रिकेंट मीन स्मूथनेस प्रोवाइड करती हैं स्किन पर, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, अब किस तरह से हम फॉर्मुलेट करते हैं डोजेज फॉर्म को। अ वाइड रेंज ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। वो कह रहा है बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास रॉ मटेरियल जो है खाम माल अवेलेबल होता है जिससे हम कोई भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, APIs आर ऑल्सो यूज एज, इसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट को यूज़ कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पर, जो कि उसको ज़्यादा अर्से तक स्टोर रखेगा, प्रिजर्व रखेगा उसकी अपनी असली हालत में। एंटीऑक्सीडेंट्स हम किसी चीज़ में कब ऐड करते हैं ताकि ये रोक सके ऑक्सीडेशन ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस। सोलिबिलाइजर्स ऐड करते हैं ताकि वो उसमें मिक्स हो जाए। थिकनिंग एजेंट्स ऐड करते हैं ताकि वो ज़्यादा विस्कस हो सके। इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं कि अगर जो है हमारे पास ऑइंटमेंट या क्रीम जो है ऑयल इन वाटर इमल्शन है या वाटर इन ऑयल, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल करें जिसकी वजह से ऑयल एंड वाटर क्या हो जाता है आपस में मिसेबल हो जाता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट ताकि उसमें कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो, और कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ें चाहिए, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट्स हैं वो हैं प्रिजर्वेटिव्स हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, सोलिबिलाइजर्स, थिकनिंग एजेंट्स हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं एंड कलरिंग एजेंट्स हैं, जिस जो सब मिक्स कर कर हम एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बना सकते हैं। वो ऑइंटमेंट है, क्रीम है, हमारे पास जेल्स हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स कैन एग्जिस्ट एज सिंगल फेस सिस्टम। अब ये दो तरह से पाई जाती हैं, एक सिंगल फेस सिस्टम से और एज मोर कम्प्लेक्स टू फेस या फिर मल्टीपल फेस सिस्टम भी हम कहते हैं। सिंगल फेस तो सिंपली ऑयल इन वाटर इमल्शन होगी या वाटर इन ऑयल इमल्शन होगी, लेकिन मल्टी फेस क्या होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा फेजेस भी हो सकते हैं। एन एग्जांपल ऑफ अ कम्प्लेक्स मल्टी फेस सिस्टम इज ऑयल इन वाटर इमल्शन विद सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। ऑयल इन वाटर तो है ही, लेकिन उसके साथ क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो इसमें कितने फेजेस, 1, 2 और 3 हो गए, तो इसको हम मल्टी फेस सिस्टम कहेंगे। ये मल्टी फेस सिस्टम की एग्जाम्पल है। देन हम आते हैं व्हाट इज ऑइंटमेंट। ठीक है, ऑइंटमेंट जो है वो ग्रीजी होती हैं, सेमी सॉलिड होती हैं प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। और इसका यूज़ क्या है कि हम इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं। एंड ऑइंटमेंट इज़ अ फैटी प्रिपरेशन ऑफ सच कंसिस्टेंसी एज टू बी अप्लाई टू द स्किन। वो कह रहा है कि ये एक फैटी प्रिपरेशन होती है और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होती है कि हम इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन पर, जिल्द पर। मेडिकेटेड भी हो सकती हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं ऑइंटमेंट्स। मेडिकेटेड वो जिसके अंदर मेडिकेमेंट ऐड होगा, नॉन मेडिकेटेड वो होंगी जो कि जस्ट एज अ सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन के तौर पर काम करेंगी, जस्ट एज अ व्हीकल काम करेंगी, खुद इसका अपना कोई रोल नहीं होता नॉन मेडिकेटेड का। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑइंटमेंट, अब किस तरह से हम ऑइंटमेंट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एक हमारे पास मेथड है ट्रिचुरेशन मेथड, जिसके अंदर हम लोग ट्रिचुरेट करके बनाते हैं। दूसरा है फ्यूजन मेथड, जिसमें हम हीट करके जो है ऑइंटमेंट तैयार करते हैं। हम डिस्कस करते हैं, पहला हमारे पास है ट्रिचुरेशन मेथड। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ऑइंटमेंट इन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। जब हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये ऑइंटमेंट बनानी हो, तो सॉफ्ट ऑइंटमेंट के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ट्रिचुरेशन मेथड।
दो मेथड्स है फर्दर इसमें, एक है ऑइंटमेंट स्लैब या लेविगेशन। ऑइंटमेंट स्लैब मीन्स एक हमारे पास स्लैब होती है, ठीक है, उसके अंदर हम जो है पेसल्स के साथ जो है मिक्स करते हैं, लेविगेट करते हैं, ऑइंटमेंट तैयार हो जाती है। मोटर एंड पेसल आ जाता है जिसके अंदर हम मिक्स करते हैं मोटर एंड पेसल में, और हमारे पास ऑइंटमेंट तैयार हो जाती है। यहाँ पर है हमारे पास ऑइंटमेंट स्लैब लेविगेशन, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है फाइनली पाउडर द मेडिकमेंट एंड प्लेस इट ऑन अ क्लीन ऑइंटमेंट टाइल। यहाँ पर हमारे पास एक क्लीन ऑइंटमेंट टाइल है, उसके अंदर हमने क्या कर देना है, अपने पास जो पाउडर्ड मेडिकमेंट है वो यहाँ पर रख देना है। वे रिक्वायर्ड क्वान्टिटीज ऑफ ऑइंटमेंट बेस एंड कीप ऑन वन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्लैब। वो कह रहा है कि दूसरी स्लैब पे जो दूसरा हिस्सा है स्लैब का उसके ऊपर हमने जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ हैं ऑइंटमेंट की वो हमने मेयर करके वो ऐड कर देनी है। टेक अ पोर्शन ऑफ बेस ऑफ अबाउट 3 times वॉल्यूम ऑफ ड्रग एंड लेविगेट इट विद द हेल्प ऑफ ऑइंटमेंट। और 3 गुना ज़्यादा जो है हमने बेस का पोर्शन लेना है, उसको लेविगेट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑइंटमेंट, और उनको मिक्स कर लेना है। तो हमारे पास ऑइंटमेंट तैयार हो जाएगी बाय ऑइंटमेंट स्लैब या लेविगेशन मेथड के जरिए। इसमें एग्जाम्पल बताई गई है सल्फर ऑइंटमेंट। दूसरा मेथड जो मैंने बताया था मोटर एंड पेसल मेथड, दिस मेथड इज़ यूज फॉर लार्ज क्वांटिटीज। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमने ऑइंटमेंट तैयार करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोटर एंड पेसल। सेकेंड हमारे पास मेथड है इसका फ्यूजन मेथड। इसके अंदर हमने फ्यूज़ करना है, मेल्ट करना है सब्सटेंसेस को। मेल्ट द सब्सटेंसेस विच हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उन सब्सटेंसेस को पहले मेल्ट करना है जिनकी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर या मेल्टिंग पॉइंट। और फिर बाद में हम वो सब्सटेंसेस ऐड करने हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। टू दिस मेल्टेड मैस ऐड मेडिकेमेंट। ये जो हमारे पास सब्सटेंस है जब मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, एक मेडिकेमेंट, एंड स्टिल थोरोली अंटिल द मैस कूल्स डाउन एंड होमोजीनियस ऑइंटमेंट इज फॉर्म। और उसको हमने जो हमारे पास पूरा है सब्सटेंस जिसके अंदर हमने मेडिकेमेंट भी ऐड कर दिया, उसको हमने हिलाना है, स्टिर करना है थॉरली अच्छी तरह से जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए, एंड होमोजीनियस ऑइंटमेंट इज़ फॉर्म, और एक जैसी ऑइंटमेंट जो है हम मिल ना जाए जिसके अंदर कोई ग्रेन्यूल ना हो, कुछ भी ना हो, स्मूथ ऑइंटमेंट जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक हम उसको स्टिर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रीम, ठीक है। क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्शंस यूजली फॉर द एप्लीकेशन टू द स्किन। ये भी सेमी सॉलिड इमल्शंस हैं और इसको अप्लाई कहाँ पर हम करते हैं, स्किन पर। ये भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है मेडिकेटेड और दूसरी क्या होती है, नॉन मेडिकेटेड। जो हमने ऑइंटमेंट्स में पढ़ा था, एक मेडिकेटेड और दूसरा नॉन मेडिकेटेड। तो मेडिकेटेड में उसमें ऑइंटमेंट में एग्जांपल आ जाती है सल्फर ऑइंटमेंट या फिर बोरिक एसिड ऑइंटमेंट आ जाती है, और नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स में एग्जांपल आ जाती है सिंपल ऑइंटमेंट बीपी एंड पैराफिन ऑइंटमेंट आ जाती है, ठीक है। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रीम। क्रीम में मेडिकेटेड भी हैं एंड नॉन मेडिकेटेड भी हैं। क्रीम्स 2 तरह की होती हैं, ठीक है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर क्रीम्स विच आर कम्पोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल, ठीक है। इसके अंदर कम तादाद में छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं किसके, ऑयल के, जो कि डिस्पर्स्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं इन अ कॉन्टीन्यूस वाटर फेज, जो कि कॉन्टीन्यूस वाटर फेज के अंदर फैले हुए होते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आपके पास ये जो येलो कलर में नज़र आ रहा है ये स्मॉल क्या है, हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। ये स्मॉल जो है हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, और जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है हमारे पास वाटर है, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या बताया गया है, ऑयल इन वाटर क्रीम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डिस्पर्स इन कॉन्टीन्यूस वाटर फेज, कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल जो हैं वो फैले हुए हैं कॉन्टीन्यूस वाटर फेज में। इस जो है पूरे टर्म को हम कहते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन। एग्जाम्पल है हमारे पास वैनिशिंग क्रीम की। नेक्स्ट है इसके ऑपोजिट डिफरेंस में आ जाता है वाटर इन ऑयल इमल्शन। इसके अंदर क्या है, वाटर इन ऑयल क्रीम्स विच आर कंपोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, इसके अंदर स्मॉल ड्रॉपलेट्स होंगे वाटर के जो कि डिस्पर्स्ड होंगे, फैले हुए होंगे इन अ कॉन्टीन्यूसली ऑयली फेज में, ठीक है। ये उसके ऑपोजिट है, ऑयल इन वाटर में स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑयल के थे और इसमें स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है।
हमारे पास एग्जाम्पल है कैलामाइन लोशन है एंड कोल्ड क्रीम है। तो यहाँ पर अब इस डायग्राम का ऑपोजिट है ये डायग्राम, जिसके अंदर बताया गया है कि वाटर जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में प्रेजेंट है हमारे पास, और जो ऑयल है वो येलो कलर में है जो कि कॉन्टिन्यूस फेज में हमारे पास, इसको हम कहेंगे वाटर इन ऑयल इमल्शन। नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। अब इमल्शन हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, एक मेथड है वेट गम मेथड, दूसरा है ड्राई गम मेथड एंड थर्ड है बॉटल मेथड। ये तीन मेथड के जरिए हम कोई भी इमल्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर वन है वेट गम मेथड। इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व्ड इन प्रिपरेशन आर फिक्स्ड ऑयल यूज़ करते हैं हम इसमें, नंबर वन। नंबर टू है वाटर एंड देन एकेशिया यूज़ करते हैं जो कि गम की सूरत में हमें मिलती है। इसमें हम क्या रेशियो यूज़ करते हैं इन तीनों चीज़ों की, फिक्स्ड ऑयल की, वाटर की एंड एकेशिया की। फोर पार्ट्स ऑफ ऑयल होता है, टू पार्ट्स ऑफ वाटर होता है एंड वन पार्ट ऑफ गम होता है। मीन्स के 4:2:1 में हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स, फिक्स्ड ऑयल, वाटर एंड एकेशिया। अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसमें प्रोसीजर बताया हुआ है कि हम उन तीनों चीज़ों को किस तरह से मिक्स करते हैं। तो इसके नाम में लिखा हुआ है कि वेट गम मेथड है। वेट मीन्स के इसमें हम पहले वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। टू पार्ट्स ऑफ वाटर एंड वन पार्ट ऑफ एकेशिया मिक्सचर इज टू बी ट्रिचुरेटेड विद द मोटर एंड पैसल, ठीक है। हमने मोटर एंड पैसल में दो हिस्से लेने हैं पानी के और एक हिस्सा लेना है एकेशिया गम का, ठीक है। और उसको अच्छी तरह से मोटर एंड पैसल में मिक्स करना है। और कब तक मिक्स करना है हमने, अनटिल अ स्मूथ म्यूसिलेज इज फॉर्म, जब तक एक स्मूथ टेक्सचर जो है हमें मिल ना जाए, ठीक है। ऑयल इज टू बी एडिड स्लोली विथ कंटिन्यूस ट्रिचुरेटिंग अनटिल अ स्मूथ क्रीम ऑफ प्राइमरी इमल्शन इज फॉर्म। और ऑयल को हमने ऐड करना है आहिस्ता आहिस्ता, कंटिन्यूस ट्रिचुरेट, हमने उसको ट्रिचुरेट करते जाना है और साथ साथ हमने आहिस्ता आहिस्ता ऑयल भी ऐड करते जाना है जब तक कि हमारे पास स्मूथ क्रीम ना बन जाए। तो इस जो है प्रोसीजर के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, क्रीम, जिसके अंदर हमने दो पार्ट्स लेने हैं पानी के, एक पार्ट लेना है एकेशिया का और उसको पैसल एंड मोटर में मिक्स करना है जब तक कि स्मूथ म्यूसिलेज ना बन जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ट्रिचुरेट करते करते उसमें ऑयल ऐड कर देना है, जब तक स्मूथ क्रीम ना बन जाए तब तक हमने उसको ट्रिचुरेट करते रहना है। और ट्रिचुरेशन क्या होती है कि किसी भी चीज़ को स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कर देना, मीन्स उसको पीसना, आम अल्फाज में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। द मिक्सचर शुड बी अगेन ट्रिचुरेटेड फॉर एन अदर 5 मिनट्स, वो कह रहा है अब मिक्सचर को हमने दोबारा से क्या करना है, 5 मिनट के लिए ट्रिचुरेट करना है एंड देन ऐड वाटर टू मेकअप द वॉल्यूम विद कंटिन्यूस ट्रिचुरेटिंग। और हमने इसमें वाटर ऐड कर देना है ताकि हम जितना वॉल्यूम हमें चाहिए था वो वॉल्यूम हम बना सकें, ठीक है, वो ऑब्टेन कर सकें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मोटर एंड पैसल एंड होमोजेनाइजर, जो कि अच्छे से होमोजेनाइज कर देता स्मूथ जो है हमारे पास टेक्सचर, स्मूथ क्रीम बन जाती है इससे। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ड्राई गम मेथड। ये भी सेम वही रेशियो है जो कि हमने वेट गम में इस्तेमाल की, लेकिन इसमें हम सबसे पहले ऑयल और गम यूज़ करते हैं देन वाटर यूज़ करते हैं, जबकि वेट में हम लोग वाटर पहले ऐड कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स यूज्ड आर फिक्स्ड ऑयल, वाटर एंड एकेशिया। इसमें जो रेशियो है इन सब की वो है 4 पार्ट्स ऑफ ऑयल यूज़ करते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ गम। 4:2:1 में हम यूज़ करते हैं तीनों चीज़ें। प्रोसीजर, द ऑयल इज़ मिक्स्ड इन एकेशिया विद मोटर एंड पैसल। ऑयल को हमने मिक्स कर दिया एकेशिया में मोटर एंड पैसल अंटिल एकेशिया पाउडर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म यूनिफॉर्मली। तब तक हमने मिक्स करना है जब तक वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। जबकि हमने वेट गम मेथड में क्या पढ़ा था कि हमने यहाँ पे ऑयल की जगह पहले ऐड किया था वाटर, ठीक है। यही मेन डिफरेंस है वेट गम मेथड में और ड्राई गम मेथड में। सेकंड में प्यूरिफाइड वाटर इज़ टू बी एडिड एंड रैपिडली ट्रिचुरेशन अनटिल टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्शन। उसे कहा है हमने वाटर ऐड करना है और तेज़ी से ट्रिचुरेट करना है जब तक कि हमें प्राइमरी इमल्शन ना मिल जाए। थर्ड पॉइंट में बताया हुआ है एड एंड अदर एडिटिव्स एंड रिमेनिंग क्वान्टिटी ऑफ वाटर इज एडिड विद कंटिन्यूस ट्रिचुरेशन टू फिनिश द प्रोडक्ट, ताकि हम उसका वॉल्यूम जो है वो बना सकें जितना हमें रिक्वायर्ड है। इसमें हम अदर एडिटिव्स ऐड कर दें, कलर्स ऐड कर दें या फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर दें या कोई मेडिकेमेंट ऐड कर दें और रिमेनिंग क्वान्टिटी ऑफ वाटर ऐड करके हम अपना वॉल्यूम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर था ड्राई गम मेथड का, जिसके अंदर हमने ऑयल लिया, उसको हमने केशे में मिक्स कर दिया, उसके बाद हमने
ट्रिट्यूरेट करते करते तेज़ी से उसमें हमने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद हमारे पास एक प्राइमरी इमल्शन बन जाती है, ठीक है। उसमें हम अपनी मर्ज़ी या एडिटिव्स ऐड कर सकते हैं। एडिटिव्स जो हैं वो या तो कलरिंग एजेंट होगा या फ्लेवरिंग एजेंट हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई मेडिकेमेंट हो सकता है या कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो सकता है। और रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करेंगे और उसको फिनिश कर देंगे उस प्रोडक्ट को, ट्रिट्यूरेट करते करते जब तक हमें स्मूथ जो है इमल्शन ना मिल जाए। थर्ड मेथड है हमारे पास बॉटल मेथड। इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर प्रिपेयरिंग इमल्शंस कंटेनिंग वॉलेटाइल एंड अदर नॉन विस्कस ऑयल्स के लिए हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जो वॉलेटाइल होते हैं और नॉन विस्कस ऑयल्स के लिए हम बॉटल मेथड यूज़ करते हैं। एज वॉलेटाइल ऑयल्स हैव अ लो विस्कोसिटी एज कम्पेयर टू फिक्स्ड ऑयल्स। वॉलेटाइल ऑयल्स की जो है विस्कोसिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड ऑयल्स। अब विस्कोसिटी क्या होती है? द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ फ्लूड, एक फ्लूड के आपस में जो है कितनी विस्कोसिटी है, कितना गाढ़ा है, कितने उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं टाइटली पैक्ड हैं दूसरे के साथ, वो रिजिस्ट करते हैं उसके फ्लो को। दे रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ गम फॉर इमल्सिफिकेशन। तो इस प्रोसेस के लिए हमें लार्ज क्वांटिटी चाहिए होती है गम की इमल्सिफिकेशन के लिए। जो इसमें हम रेशियो यूज़ करते हैं ऑयल वाटर एंड एकेशिया की, वो होनी चाहिए 3:2:1 और 2:1:1, ठीक है। उसके लिए हम जो यूज़ कर रहे थे ड्राई और वेट गम मेथड के लिए वो थी 4:2:1, और इसके लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 3:2:1 और 2:1:1। प्रोसीजर है हमारे पास, द ऑयल इज़ मिक्स्ड इन अकेशिया बाई शेकिंग द बॉटल यूनिफॉर्मली। हमने बॉटल में ऑयल भी डाल दिया और अकेशिया भी डाल दिया और उसको अच्छी तरह से हमने हिलाना है, मिक्स करना है, शेक करना है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऑयल और अकेशिया में मिक्स हो जाए। एड मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड शेक अंटिल यूनिफॉर्म इमल्शन इज़ फॉर्म। और उसमें हमने जो मेजर्ड क्वांटिटी है, जितना भी हमारे पास हमने मेजर्ड की हुई क्वांटिटी में ऐड करनी है, वो ऐड करने के बाद उसको हमने अच्छी तरह से शेक करना है, और तब तक शेक करना है जब तक हमारे पास यूनिफॉर्म इमल्शन ना बन जाए। तो इसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे पास मशीन्स हैं, वो हैं हमारे पास मैकेनिकल स्टिरर्स हैं, हमारे पास कोलाइडल मिल है, इसके लिए हम टर्बाइंस भी यूज़ करते हैं, हमारे पास प्रोपेलर्स भी होते हैं जो कि हम इसकी मिक्सिंग के लिए या इसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू, जजाकअल्लाह खैर।